रुकिए, अभी दिखाते हैं आपको। अम्मा, बाबूजी, एक सच और है जो भाभी आप सब से छुपा रही हैं। पूछिए भाभी से। यशोदा, महुआ कौन से सच के बारे में बात कर रही है? बताइए भाभी, आप तो जानती होंगी ना, जो अरविंद ने कल रात को बताने के लिए कहा था मगर आपने मना कर दिया था। अरे हम बताते सच क्या है। सच ये कि भैया घर छोड़कर कहीं चले गए शहर से बाहर, बस में बैठकर। हमारे एक जानने वाले ने उन्हें देखा, उसने बताया, सिर्फ इतनी सी बात थी। बड़ी बात यह कि भैया घर छोड़कर चले गए हैं जानबूझकर। बड़ी बात यह नहीं है कि वो बस से गए या नहीं गए। इसमें कोई बताने छुपाने जैसी बात नहीं है जो तुम इस बात का इतना बतंगड़ बना रही हो। ये बेटा गया है घर से, एक बाप से एक बेटे की कोई भी बात छुपाना बहुत बड़ी बात है। बाबू जी, मेरी गलती है। सही कह रही हो यशोदा, गलती सिर्फ तुम्हारी है। इस कृष्णा को इस घर में लाने के पक्ष में कोई नहीं था, सिर्फ तुमने जबरदस्ती की और इसे हमारी जिंदगी में लाकर यहाँ रख दिया। और हम, अरे इतने पैसे कमाने के बाद भी ना धूल के बराबर समझा जाता है हमें। तुम्हें पता है इस घर में हम दोनों की औकात क्या है? हाँ, घर में पड़े जो टेबल चेयर और टीवी का रिमोट होता है ना, जब वो जरूरत में नहीं आता ना, उसमें धूल जम जाती है। वो इज्जत है हमारी इस घर में। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, यूं ही पड़े पड़े सड़ जाएंगे हम। अरे क्या बोल रही हो तुम? अरविंद सच कह रहे हैं हम। चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि ये कमरा किसका है? हमारा है ना? हाँ, तो और किसका है? हमारा ही है। अब कमरे के रंग से शुरू करते हैं। इस कमरे का जो रंग है वो किसकी मर्जी का है? बताओ। अम्मा की। हफ्ते में 4-4 बार गोभी बनती है। क्यों? क्योंकि भैया को पसंद है। चाय में इलायची डाली जाती है। क्यों? क्योंकि बाबूजी को पसंद है। हाँ? और तुम्हारी दुकान तुम्हारे अलावा सब तय करते हैं कि तुम्हारी दुकान में क्या सामान आएगा। बताओ, तुम्हारी और हमारी मर्जी का क्या है इस घर में? बताओ। हाँ? अरे हम भी तो हिस्सा है ना इस घर का, हम भी इंसान है, हमें बुरा लगता है। अरविंद, इस घर में अपनी पसंद नापसंद अपने मायने हो, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि अशोक भैया के आने से पहले ना उनके सारे के सारे काले सच सबके सामने आ जाए। कौन सा काला सच? दिमाग खराब है तुम्हारा तो। और मेरी वजह से घर छोड़कर गए हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई जिद नहीं करूंगी, कृष्णा से भी फ्रेंडशिप कर लूंगी और उससे कभी नहीं लड़ूंगी। लेकिन आप बस वापस आ जाइए, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता। आई लव यू पापा। आस्था। पापा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और इस बार मैथ्स। इस बार मैथ्स में 80 नंबर लेकर आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। और कोई शैतानी भी नहीं करूंगी। अब घर में नहीं तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, नहीं खेलने में मन लगता है। मुझे बहुत रोना आता है आपको याद करके। अब चले गए तो आप ये मत कहिएगा कि ऐसा करना पड़ता है। ऐसा कोई करता है क्या? प्लीज लौट आइए। मिसिंग यू सो मच पापा। नूपुर। कृष्णा, आराम से कृष्णा। तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? वो मैं सर जी से किया हुआ प्रॉमिस निभा रहा था। प्रॉमिस? क्या बात है कृष्णा, तुम भी प्रॉमिस निभाने पे यकीन करते हो? हाँ अंकल जी, मेरी लाइफ भी तो एक प्रॉमिस की वजह से ही बदल गई। अगर मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस निभाया होता तो मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती। और अशोक जी, अगर आप इतने दिनों से हम सबसे झूठ ना बोल रहे होते, सबको सच बता देते, तो आज ये सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन मुझे मेरे बाप की तरह नहीं बनना है। जिससे जो भी प्रॉमिस करूंगा वो निभाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। भैया सुनिए ना, कल नूपुर और आस्था ने उनके पापा के नाम लेटर्स लिखे हैं कि वो घर लौट कर आ जाए। तो भैया मैं ये सोच रही थी कि क्या हम वो लेटर न्यूज़पेपर में छपवा दें। मतलब न्यूज़पेपर आसपास के शहर में भी जाता है ना, क्या पता अशोक जी पढ़ ले और बच्चियों का हाल देखकर वापस घर आ जाए। अशोक जी का घर वापस लौट कर आना या लोगों से ये बात छुपाना कि वो कहीं चले गए हैं। यशोदा, कल तुमने अपनी सास के साथ बदतमीजी से बात की थी और आज तुम हमारे साथ कर रही हो। बाप जी, मैं किसी से कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि अशोक जी घर लौट कर आ जाए और उस कोशिश में आप सबका साथ मांग रही हूँ बस। अरे हमारा बेटा बेवकूफ नहीं है जो घर वापस नहीं आएगा। नाराज होकर गया है, गुस्सा शांत होगा तो घर ही वापस आएगा। इसके लिए पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। कोई वीडियो नहीं बनेगा, बात यही खत्म होती है। बाबूजी, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हर बात में अपनी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। भैया शहर से कहीं बाहर चले गए, ऐसे नाराज होकर कोई जाता है क्या? और कब तक ये आप हाथ पे हाथ धरे बैठे उनके आने का इंतजार करते रहेंगे? मानिए या ना मानिए, लेकिन भैया के गायब होने वाली बात ना आप सबसे छुपा नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक। अरे ये वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ेगी, कम से कम लोग देखेंगे। क्या पता भैया भी देखें, उनको अपनी गलती का एहसास होगा। क्या पता बाबूजी भैया घर वापस आ जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हो। अब तुम अपने बाप को समझाओगे? एक बहू पहले से मुखालफत कर रही है और अब बेटा भी शामिल हो गया। और तुम मालती, तुम भी मुंह उठाकर आगे वीडियो बनवाने। अरे जाओ सब यहाँ से, और अगर हमारी बात नहीं माननी है ना तो सब के सब घर से निकल जाओ, नहीं तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अपने जीते जी इस घर की इज्जत का तमाशा नहीं बनने देंगे। अरे हमारे मरने के बाद जिसे जो करना है करे, लेकिन हम अपनी आंखों के साथ नहीं है। बाबूजी शांत हो जाइए, कोई वीडियो नहीं बनाएंगे हम। आप शांत हो जाइए प्लीज। बाबूजी पानी। बाबूजी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, आप शांत हो जाइए प्लीज। पानी पी लीजिए बाबूजी। बाबूजी ये अशोक गुप्ता का घर यही है ना? अभी तक 10 चक्कर लगा चुका हूं। जब भी जाऊं उनका ऑफिस बंद ही मिलता है और अगले ही हफ्ते मेरे केस की सुनवाई भी होने वाली है। वो अशोक को फैमिली फंक्शन के वजह से शहर से दूर अचानक जाना पड़ा। आपकी केस की सुनवाई अगले हफ्ते है ना? तब तक वो आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इनको चाय पानी पूछा भाई? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उनका फोन स्विच ऑफ था इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। आप लोगों की बात हो तो प्लीज उनसे कहिएगा कि एक बार प्रताप सिन्हा से बात कर लें। जी जरूर कह देंगे। जी नमस्ते। इसीलिए वीडियो बनाने से मना कर रहा था। सब बड़े समझदार हो गए। सोशल मीडिया पर चले हैं अशोक को ढूंढने। अब ठीक है ना? नानू, नानी, प्लीज मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। क्या हो गया सोनू? मम्मी ने आज घर पे खाना नहीं बनाया है। लेकिन तुम्हारे यहाँ खाना क्यों नहीं बनाया आज? मम्मी भूखी प्यासी है, खाना ही नहीं बना रही। कह रही है उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया, उन्हें इस घर के मामले में नहीं घुसना चाहिए था। इसलिए मैं और पापा भी भूखे हैं। पाप उन्होंने कराए तो सजा हमें क्यों मिले? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कोई खाना दे दो। सोनू तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। आओ। कोई जरूरत नहीं है, कामिनी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सब उसकी नौटंकी है। अम्मा सोनू बच्चा है, इसे भूखा कैसे रहने दे? नहीं मानकर खिला देती हूँ कि वो सच बोल रहा है। यशोदा तुमने कसम खा ली है क्या? जब भी बोलूंगी सास के खिलाफ ही बोलूंगी। सही कह रहे हैं बाबूजी। कामिनी जी उनकी बेटी है तो हमसे ज्यादा वो पहचानते हैं उनको। अगर उनको कुछ भी हुआ है तो सबसे ज्यादा दुखी वही होंगे। लेकिन बच्चे को भूखा। अशोक भाग गया? ये कब हुआ? गुप्ता जी सब ठीक तो है? हाँ। अरे बच्चों की तो आदत होती है मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने की है, तो इन बच्चों ने कहानी बता दी और आप लोग बताओ सच मान के ऊद बिलाव की तरह कूदने लग गए हैं। गजब करते हैं। चलो हम कह रहे हैं कि तुम दोनों गधे हो। अब बनाओ वीडियो और डालो सोशल मीडिया पे। तो भैया क्या तुम लोग गधे हो गए हैं? बोलो क्यों अम्मा, हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, हम नहीं मानते इन दोनों की बात। लेकिन फिर अशोक है कहाँ? दिखाई तो नहीं दे रहा 2-3 दिन से यहाँ। गुप्ता जी? हाँ गुप्ता जी बताइए ना, अशोक है कहाँ? वीडियो मैंने डाला है। आप सब लोग सर जी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनका पता नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो वीडियो देखकर घर वापस आ जाए। आप सब लोग बहुत परेशान हैं और मैडम जी भी दुखी है और मुझसे आप सबका दुख देखा नहीं जा रहा था। मैं बस मैडम जी की हेल्प भी करना चाहता था। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो तुम। ये हेल्प की है तुमने, मना किया था ना बाबूजी ने, तो कम से कम मालिक की आज्ञा मानकर पालन करते उसका। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। तुमने मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं? मेरी जान लेने पे क्यों तुले हो तो? नहीं मैडम जी, ऐसे मत बोलिए ना, मैं तो आपके लिए जान भी दे दूंगा। तब मैंने जो किया वो अच्छी नीयत से किया था और मैं भी यही चाहता हूँ कि सर जी कुछ भी करके जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए। हेलो, नहीं, वो आपने जो कुछ भी सुना ना अशोक भैया के बारे में, वो सब बकवास है। ये हमारे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। वो तो हमारे घर का नौकर है, उसको सबने सर पर चढ़ा कर रखा है, उसी ने बेइज्जती करवाई है हम सबकी। हाँ, ठीक है, अब से ना उसे संभाल कर रखेंगे। जी जी, आज तो हम तुझे सबक सिखा के ही रहेंगे। आज हम तुझे बता के रहेंगे कि हमारे घर के इज्जत के साथ खेलने वाले के साथ हम क्या करते हैं। अब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। अब मैं बाहर सबको बता दूंगी कि ये वीडियो हमने अपलोड किया। नूपुर! और फिर पता है क्या होगा? सब मिलकर हमें डांटेंगे, मम्मी भी हमें मारेंगी। जो कृष्णा के साथ हो रहा है वही हमारे साथ होगा। और हो सकता है मम्मी हमसे नाराज होकर हमसे बात ही करना बंद कर दे। पापा भी नहीं है, हम अकेले कैसे रहेंगे नूपुर, बता ना। और वो कृष्णा बड़ा अच्छा भी नहीं है, अगर वो इस घर में नहीं आता तो ये सब प्रॉब्लम्स भी नहीं आते, इसलिए सजा तो मिलनी ही चाहिए उसे। लेकिन दीदी, कृष्णा भैया को हमारी गलती की सजा भुगतनी पड़ रही है। ये तो उनके साथ बुरा हो रहा है ना। दादाजी ने कैसे उनके बाल पकड़ के उनको खींचा था, उनको दर्द हो रहा होगा, वो रो रहे होंगे। हाँ तो ठीक है, उसके लिए दवाई ले जाना, उसे सिंपैथी देना, लेकिन सच बताने की कोई जरूरत नहीं है। तू समझ रही है ना नूपुर? लेकिन दीदी, कृष्णा भैया ने आज हमको बचाया, इसलिए मैं आज फिर से उनको कृष्णा भैया कहूँगी। आपकी वजह से मैंने उनसे झगड़ा कर लिया, वो तो हमारा अच्छा ही चाहते थे ना। आज बहुत बुरा हुआ मालती, इस कृष्णा की संगत में हमारे घर की बच्चियाँ बिगड़ती जा रही हैं, वरना बच्चियों की क्या मजाल जो हमारी बात काट जाए। रहने दीजिए ना बाबूजी, आप भी बिना मतलब में बच्चों की बातों को पता नहीं कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। नादान है कृष्णा, माफ कर दीजिए उसे। अरविंद, आजकल तू अपने बाबूजी को बहुत जवाब दे रहा है। तेरे लिए तेरे भाई भाभी सही है, बाकी सब गलत। हम ऐसा नहीं है, हम किसी का साइड थोड़ी ले रहे हैं। आप एक बात बताइए, बाबूजी ने कृष्णा को जो कमरे में बंद किया है, क्या वो ठीक है? और आप भी इस बात में उनका साथ दे रही हैं। लेकिन उसकी नीयत साफ है बाबूजी। बाबूजी, मैं अगर कृष्णा को नहीं जानती, उस पर इतना विश्वास नहीं करती, तो आपके कहने की राह नहीं देखती, हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती मैं। प्लीज चाबी दे दीजिए, मैं कृष्णा को बाहर निकालती हूँ। भाभी भी इतना कह रही हैं, दे दीजिए चाबी प्लीज। वो सच बताएंगे। तुमसे कहा ना, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है इस बारे में। मैडम जी, अब जब से मेरी लाइफ में आई है, आपने मेरे लिए जो भी फैसले लिए मेरी भलाई के लिए लिए। मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ मैडम जी, और कसम तोड़ने से ज्यादा दुख भरोसा तोड़ने का होता है। इस दुख को सहते हुए मैंने अपनी माँ को देखा है। और मैडम जी, ये बात है ना मेरी माँ से जुड़ी हुई है, तो मुझे ये जानना ही जानना है। पूरी दुनिया मेरे लिए एक तरफ है और आप एक तरफ हैं। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं पूरी दुनिया से जाके पूछूंगा, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अशोक जी तुम्हारे पिता है। पता चली थी, लेकिन सच यही है कृष्णा। मुझे मैरिज एनिवर्सरी के दिन शक हुआ था जब तुमने कहा था कि आस्था नूपुर तुम्हारी माँ का गाना गा रही है, लेकिन इससे पहले कि अशोक जी से मैं इस बारे में कोई बात करती, अगली सुबह वो चले गए घर छोड़कर। और फिर मनोज भैया ने मुझे बताया कि अशोक जी कृष्णा कृष्णा जिस सच के पीछे आज तक भागते थे तुम, वो इस तरह तुम्हारे सामने आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या समझाऊं, क्या कहूं तुमसे मैं। लेकिन सच यही है, इतने दिनों से जिन्हें तुम सर बुलाते थे वो अशोक जी तुम्हारे पिता हैं। इसका जवाब भी देगा। बाबूजी प्लीज इस वक्त अकेला छोड़ दीजिए कृष्णा को प्लीज। अच्छा, तुम्हारे कहने से हम उसे अकेला छोड़ दें? अब जो तुम कहोगी वो होगा इस घर में। हम अभी जाकर उससे पूछते हैं। चलिए जी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से, उसे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अब तो हमें अभी जानना है कि तुमने उसे ऐसा क्या कहा है कि वो ऊपर जाकर रो रहा है और तुम हमें उससे मिलने से रोक रही हो। अरे हद है, मतलब यही बात किसी और ने कही होती तो आप लोग मुद्दे को इतना तूल नहीं देते, लेकिन यही बात भाभी ने कह दी तो जिद पकड़ के बैठ गए। अरे मान जाइए, भाभी कुछ गलत थोड़ी कह रही हैं। तो अम्मा बाबूजी गलत कर रहे हैं क्या? हाँ, कृष्णा इस घर का नौकर है और वो हमारे घर की छत पर रो रहा है, तो अम्मा बाबूजी का पूरा हक बनता है ये जानने का कि वो क्यों रो रहा है। सही कह रहे हैं बाबूजी। हुआ चुप। हमें भी नहीं पता है कि भाभी कृष्णा से मिलने के लिए क्यों सबको रोक रही हैं। लेकिन हमें भाभी पर भरोसा है। अरे कोई ना कोई वजह होगी। भाभी अब जाइए, हम यहाँ हैं, किसी को कृष्णा के पास आने नहीं देंगे। जाइए आप। वाह बेटा वाह, अब तुम्हारी इतनी औकात होगी कि तुम बाप के खिलाफ जाकर भाभी का साथ दोगे। माँ बाप का रास्ता रोको, यही परवरिश दी हमने तुम्हें। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है और इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। इसे रखो अपने पास। और आस्था नूपुर के पापा चाहे जैसे हो कि मेरा बाप अशोक गुप्ता बहुत ही झूठा और घटिया आदमी है। ना ही मेरी माँ का हो पाया, ना ही मेरा हुआ और ना ही आपका हुआ। उसने सबसे झूठ बोला, पहले माँ को धोखा दिया, फिर आपको भी धोखा दिया। अब मैं उसे सजा जरूर दूंगा। सोशल मीडिया पर सब दिखा दिया है ना, मुझे ये बोल के टरका दिया कि बेटा रिश्तेदारी में गया है। बोलने में शर्म आ रही थी ना, वो भाग गया है। देखिए, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी आपने देखा है ना, वो सब बकवास है। और आपकी सुनवाई में अभी थोड़ा समय है ना, तो आप इन सब बातों में मत आइए प्लीज। मैं कोई इशू बनाने नहीं आया, मैं तो पछता रहा हूँ। एक भगोड़े वकील को मैंने अपना केस सौंप दिया है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। देखिए, आप इनके क्लाइंट हैं और आपकी परेशानी भी मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन मेरे पति के लिए ऐसे भगोड़े जैसे शब्द आप मत इस्तेमाल कीजिए प्लीज। क्यों, बुरा लग रहा है? किसी भी पत्नी को बुरा लगेगा। और सुनिए, अब दोबारा इस घर में आकर इन लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अशोक का केस मैं लड़ूंगा। तुम लड़ोगे? लेकिन केस तो मैंने उसे दिया था ना, और जब उसे घर से भाग जाना ही था तो फिर मुझसे फीस के नाम पे 50,000 रुपए क्यों लिए? कैसा घटिया इंसान है, ना घर की चिंता ना काम की, बस जिम्मेदारियों से भागता है। बस बहुत हो गया, हम अपने बेटे के लिए एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। शुक्र मनाइए कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आपकी घर की बहु बेटियां यहां पर है, इसलिए मेरी जुबान से कुछ अनाप शनाप नहीं निकला, वरना मेरी जगह कोई और होता तो आपको सही शब्दों में समझाता कि आपके बेटे ने क्या किया है। मुझे तो रोक लोगे, मगर मेरे जैसे न जाने कितने क्लाइंट होंगे, उनको कैसे रोकोगे? पता नहीं कैसे वकील बन गया आपका बेटा। ऐसा धोखेबाज इंसान जो अपने क्लाइंट का नहीं हो सका, वो किसका होगा? आपके पति और आस्था नूपुर के पापा चाहे जैसे हो कि मेरा बाप अशोक गुप्ता बहुत ही झूठा और घटिया आदमी है। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। बस अभी आप यहाँ से चले जाइए। यशोदा,